हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और मेरे पीछे खड़ी है ब्रेजा, ऑल न्यू ब्रेजा ZXi। तो आज हम ये ब्रेजा देखेंगे, क्या क्या सिस्टम आती है उसके अंदर, क्या क्या चीज़ें है। और ये ब्रेजा है हमारे परम मित्र रौनक भाई की। कैसे हो रौनक भाई? एकदम ठीक। अच्छा, आपने ये कौन सा मॉडल है? ये ब्रेजा ZXi। ZXi अपने को कितने में पड़ी? 12,65,000। 12,65,000 में। तो आजकल ये नया मॉडल जो आया है काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, और ऐसा कहो कि ये वाली गाड़ी ने बाकी सब कंपनियों की नींद उड़ा दी है। ये SUV ऐसी है कि सब कोई लेना चाहता है, सबको ये गाड़ी चाहिए। और 2 महीने की वेटिंग है इसके, 2 महीने की कम से कम वेटिंग है। और आपने, मैंने सुना 2 दिन में गाड़ी ले ली। हाँ, 2 दिन में ले ली, क्योंकि दरियापुर कटारे में एक दोस्त है पास करके। अच्छा अच्छा। उससे बात की, वो बोला कि कुछ करवा देते, कि मेरे सर से बात करता हूँ। अच्छा। उसने सर से बात की तो सर ने बोला कि कोई नहीं, तेरा दोस्त है तो करवा देते। अच्छा। तो फिर 2 महीने की वेटिंग में 2 दिन में हमें डिलीवरी दे दी। 2 दिन का अच्छा मुहूर्त था गणेश चतुर्थी का। अच्छा। तो काली ले ली। 2 दिन में लोन वोन करा के सब दे दी गाड़ी। अच्छा, अभी अपने आप थार देखने गए थे। हाँ। थार लेनी थी तो फिर डायरेक्ट ब्रेजा में, एक बात कुछ हजम नहीं हुई, समझ में नहीं आई। थार देखने तो गए थे, थार पसंद भी है, लेकिन घर वाले ऐसा बोल रहे थे कि वो फैमिली कार नहीं है। बराबर, थार क्या फैमिली कार। तो क्या है कि गाड़ी पसंद आ गई, और थार में तो 3 महीने का वेटिंग चल रहा है। थार में वेटिंग था, और ये थार फैमिली कार नहीं है, और ये ब्रेजा एकदम फैमिली कार है। तो इसीलिए इन्होंने फाइनल की, और रेट भी काफ़ी बढ़िया, 5-6 लाख थार से कम। मैं आपको आपसे सबसे पहले इसकी की दिखा देता हूँ। तो वही एज यूजुअल की है उसकी, पुश बटन में, मारुति की सारी गाड़ी में पुश बटन जिस गाड़ी में है उसमें यही टिपिकल कीज़ ये लोग देते हैं। तो बाकी कार में इन्होंने पीछे से पूछा टेल, ये जो टेल जिसे बोलते हैं, वो पूरा चेंज किया हुआ है, और काफ़ी सारे चेंजेस है लुक में है। और फर्स्ट टाइम मारुति ने पहली बार सनरूफ दिया है। मारुति की पहली ऐसी गाड़ी है जिसमें सनरूफ दिया है। और ये ब्रेजा जो है, ये ZXi, ये 1500 cc का ये गाड़ी है, और इसके 4 सिलेंडर आते हैं, और इसका टॉर्क पावर जिसे बोलते हैं 136 Nm का, और 101 BHP पावर निकालती है ये। और बाकी तो इंजन को देखने की ज़रूरत नहीं है, मारुति की सुजुकी की गाड़ी अगर ले रहे हो तो इंजन में आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें इतना अच्छा है, मतलब रीसेल इतनी ज़्यादा अच्छी है इसकी। चलो अभी एक बार अंदर बैठ के आपको सारी बातें बताता हूँ। तो अभी हम आ गए अंदर, ये अंदर से ऐसा लुक है, ड्यूल टोन में है, ये डार्क ब्राउन है और ये ब्लैक है, पूरा हार्ड टच है पूरा। और ये इसका इंजन स्टार्ट, ये इंजन हमने स्टार्ट किया अभी। हाँ भाई, पता है हमको ये पूरा उसका डिस्प्ले इस तरह से, और मोड्स वोड सब इसके अंदर है, जैसे क्रूज कंट्रोल का यहाँ पे दिया है, ये वॉल्यूम अप एंड डाउन, फोन कनेक्ट है तो ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए, जब भी फोन आपको उठाना है चालू घर में तो ये। और इसमें 7 इंच की डिस्प्ले है, 7 इंच की डिस्प्ले है जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट है। यहाँ पे आप इधर एक सॉकेट दिया है, वहाँ आप कनेक्ट करके एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले कर सकते हैं। हाँ, इसमें वायरलेस नहीं है, बाकी 5-speed मैनुअल है। यहाँ पे उन्होंने ये आर्मरेस्ट जो होता है वो नहीं दिया है, बाकी वायरलेस चार्जिंग नहीं है। यहाँ पे 12 वोल्ट का एक चार्जर आप लगा सकते हो, इधर स्पेस है थोड़ी, बाकी तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिख जाएगी। जैसे ये डिस्प्ले है उसकी, उसके अंदर सब चीज़ें आपको दिखेगी, यहाँ से आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये दिखा रहा है एवरेज, उसके बाद ये किलोमीटर, ये ड्राइविंग टाइम कितना हुआ, ये टोटल आइडल स्टॉप टाइम, और ये वॉच। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें है, टॉर्क और पावर, एक्सेल, ब्रेक, इंजन, और यहाँ से आप ट्रिप 1, 2, 3 जो भी है वो कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, और हाँ, इसके अंदर एसी, ऑटोमेटिक एसी का ऑप्शन आता है यहाँ पे, ऐसे जैसे ऑटोमेट करोगे तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ये हो जाएगा। अभी तो हम डिस्टर्ब होगा इसके लिए ये ऑफ कर देते हैं।
बाकी डिस्प्ले में तो मैंने बता दिया कि सब चीजें आती है, एप्पल और एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो। फिर यहाँ पे आएगा आपको सनग्लास होल्डर, जो मेरा सबसे पसंदीदा चीज है कोई भी कार में। रौनक भाई, मेरी कोई भी कार में मेरा सबसे फेवरेट पार्ट जो होता है ना, ये वाली। अगर मैं कोई गाड़ी लेता हूँ तो सबसे पहले ये देखता हूँ कि ये है तो मैं कार लूंगा, वरना नहीं। फिर तो सनरूफ ये मैन्युअली आपको उठाना पड़ेगा, और बाकी यहाँ पे एक स्विच में प्रेस करते रहो। हाँ, उसमें बाकी जैसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया और ऑटोमेटिक जाएगा, आपको यहाँ पे प्रेस करते रहना पड़ेगा इस तरह से। फिर वापस से एक बार बंद करो तो ये बंद हो जाएगा। और ये सनरूफ है, ये मूनरूफ पकड़ के बंद स्विच मैन्युअली करना पड़ेगा, और ये चीज़ है ये भी मैन्युअली आपको हटाना पड़ेगा। बाकी सीट का कंफर्ट अच्छा है, थाई सपोर्ट वगैरह। ये हैंड ब्रेक, यहाँ पे आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है। बाकी आरपीएम आप आवाज़ अगर सुन पा रहे हो तो, हाँ ये ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा अच्छी है। मतलब डीजल कार हो वैसे फील होता है कि मारुति ने इन शॉर्ट अच्छा काम किया है। बाकी यहाँ पे वैनिटी मिरर आ जाता है, इसको इस तरह से खोलो, वहाँ कोई वैनिटी मिरर है, लाइट्स का ऑप्शन नहीं है। अच्छा हाँ, यहाँ पे लाइट का ऑप्शन है वैनिटी मिरर के ऊपर। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर है जो आपको चाहिए। एयरबैग्स, चार एयरबैग्स आती है इसके अंदर, इसके ऊपर के मॉडल में 6 एयरबैग्स आती है, दो या दो आगे और दो पीछे। तो पीछे वाले रो में जाने से पहले ये देखो, तो ये थोड़ा कपड़े का बना हुआ है, रेक्सिन टाइप है, और ये विंडोज़ का अप एंड डाउन। और पीछे की रूट में एक सबसे अच्छी चीज़ आई थिंक मारुति ने ये भी की है कि यहाँ पे कप होल्डर दिया है, आर्म रेस्ट प्लस कप होल्डर। और बहुत बड़ी बात एक चीज़ है, आई थिंक मारुति ने सारी जो कॉम्पैक्ट एसयूवी जो आती है या छोटी गाड़ी आती है, तो वो लोग पीछे एसी विंड्स नहीं दिए होते, यहाँ पे एक नहीं दो दो एसी विंड्स दिए हैं, और प्लस 12 वोल्ट का यहाँ पे भी चार्जर दे दिया है। तो अच्छा है, वो विंड्स को कंट्रोल करने के लिए भी दिया है। और सीट, अच्छा ये सीट कवर तो कंपनी ने दी है ना, कंपनी ने लगा के दी है। बाकी यहाँ से ऐसा व्यू कुछ इस तरह से आता है। देखो भाई, मैं कार लवर हूँ, बट मेरे को जो जो पता चलता है ना वो बता रहा हूँ। थोड़ा प्लस माइनस या थोड़ा गलत बोल दिया तो माफ़ करना, पर प्यार देते रहना, ये भी एक अच्छा सा ऑप्शन है। कभी कार में ये चीज़ नहीं होती है, हेडरेस्ट जिसे बोलते हैं वो नहीं, यहाँ दो दो एड्रेस दिए हुए हैं। आई थिंक तीन जने आराम से बैठ पाएंगे यहाँ पे, तीन जने, 1 2 3 4, तीन जने अगर मेरी साइज के होंगे तो बैठ पाएंगे, अगर मेरे से और पतले होंगे तो चार जन आराम से बैठ पाएंगे, चार जन। उस साइड भी सेम ऐसा ही है, ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। अब पीछे की तरफ जाते हैं हम आ गए पीछे, चाबी ले ली, हाँ बूट स्पेस। तो इसमें 398 लीटर का बूट स्पेस है, और वहाँ पे लाइट्स भी दी हुई, यहाँ पे लाइट, और यहाँ पे एक 1 kg की बैग बनाने के लिए, आपको ग्रोसरी बैग बनानी हो या कुछ भी बनानी हो, इसके लिए हैंडल दिया है कि आप कोई भी, और यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस दी है जो आपको यूज़ करने, दोनों साइड है, यहाँ पे भी है थोड़ी और यहाँ पे भी है। फिर बाकी तो यहाँ पे स्पेयर व्हील होएगा, स्पेयर व्हील, हाँ स्पेयर व्हील में मैक व्हील नहीं है, और सब टूल्स वगैरह जो भी टिपिकल चीज़ें जो आती है वो है। बाकी बूट काफ़ी अच्छा स्पेस है, मेरे हिसाब से दो मीडियम साइज बैग्स आ जाएगी इसके अंदर, आराम से आ जाएगी। बाकी साइड लुक में इस तरह से इसके टायर को देखे तो एलॉय व्हील्स है, डिस्क ब्रेक नहीं है, और ये टायर की साइज है 16। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, 16, ये देखो 215 R16, 16 इंच के टायर है इसके अंदर, और पीछे एलॉय है, आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी। देखो इस तरह से आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे वाले में नहीं है। इसकी LED लाइट मेरे को ज़्यादा पसंद आई, इसमें डिज़ाइन देखिए किस तरह से इन्होंने डिज़ाइन दी है, एक ऐसे है एक ऐसे है, तो ये लुक पूरा चेंज कर देती। पहले यहाँ पे चार क्रोम्स आते हैं छोटे छोटे, ऐसे जो है ना छोटे क्रोम्स पुरानी ब्रीजा में आते थे, अब इन्होंने दो कर दिए वो भी बड़े बड़े,
तो आगे से लुक भी एकदम मस्कुलर लुक आता है, जैसे मतलब क्रेटा। ये पहले ऐसा था कि क्रेटा की साइज और ब्रेजा की साइड में जमीन आसमान का फर्क है। अभी आप ब्रेजा को क्रेटा के सामने खड़ा कर दो तो वो भी इतनी मस्कुलर लगेगी ब्रेजा भी। इसके ORVM में यहाँ पे साइड लाइट, ORVM मैन्युअली नहीं है, आपको अंदर जाके ऑन करने के बाद आपको बंद करने पड़ेंगे, ऑन ऑफ जो होता है। बाकी देखो इस तरह से अंदर बैठे हैं तो उन्होंने ये किया। बाकी जब लॉक करते हैं, बाकी साइड प्रोफाइल लुक आप एक बार देख लो इस गाड़ी का, इस तरह से इन्होंने वाइट कलर में ले। इसमें 3-4 कलर और ऑप्शन है, रेड कलर है, ग्रे कलर है और आई थिंक सिल्वर कलर है, जो भी है आई डोंट नो, बट ये ऑप्शन है। एक बार आपको पूरी कार का वॉक अराउंड दे देता हूँ। ये कार में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम बताना भूल गए, ये है उसका स्मार्ट हाइब्रिड। स्मार्ट हाइब्रिड का मीनिंग होता है कि गाड़ी बैटरी पे भी चलती है। ये ऐसा है कि 10% या 20% बैटरी पे चलेगी, 20% पेट्रोल में चलती है और 20% बैटरी में चलती है। हाँ, बैटरी पे चलती है तो माइलेज ज़्यादा आएगी। आपको कितनी माइलेज बोली कंपनी ने? 15-17 के आसपास बोला है, लेकिन हम 15 तक रख सकते हैं, 15 तक पेट्रोल में रख सकते हैं। बाकी बैटरी पे चलेगी तो पेट्रोल उतना बचेगा। ये था हमारा ब्रेजा का रिव्यू हमारी लैंग्वेज में। अरे यार, पीछे वाले चाचा जाओ भाई, ब्लॉग बन रहा है। हाँ, तो ये हमारी लैंग्वेज में था, ये हमको जितना पता था, मेरे को जितना पता था उतना मैंने बताया। बाकी कार मेरे को सच में बहुत पसंद आई। बाकी और आपने ये कार जब ली तो उन्होंने बोला था कि भाई सर्विस कौन से टाइम पे आएगी, कितने किलोमीटर पे आएगी? हाँ, 1 महीना या फिर 1,000 किलोमीटर, तो 2 महीना 5,000 किलोमीटर और 3 महीना 10,000 किलोमीटर। 3 सर्विस फ्री देती है। अच्छा अच्छा हाँ, तो 3 सर्विस कंपनी फ्री देती है। बाकी किसी को भी अगर कांटेक्ट करना है तो कटारिया दरियापुर में कांटेक्ट कर सकते हैं। मारुति सुजुकी की कोई कार की इंक्वायरी करनी है या परचेस करनी है तो चलो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मेरे डेली व्लॉग भी इसी चैनल पे आते रहेंगे, क्लिक एंड ड्राइव व्लॉगर चैनल का नाम है। लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन सी यू, सायोनारा।